हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चैट प्लस ज्ञान पर। दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों हमारी आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आज के टाइम में हर कोई ऐसी गाड़ी चाहता है जो ज़्यादा महंगी ना पड़े और उसकी एवरेज भी अच्छी हो, घर कंपैटिबल हो, कम से कम जगह लेती हो और आपकी फैमिली के लिए पूरा कम्फर्ट हो उसमें। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई सस्ती गाड़ी में सारा कुछ हो, उसमें एसी भी हो, एवरेज भी अच्छी हो, रेट भी अच्छा हो और देखने में भी बहुत अच्छी लुक में हो और जो जेब पर भी भारी ना पड़े। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक यही है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि कौन सी कार आपकी जेब के ऊपर ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी, ना ही ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस। हाँ तो दोस्तों ये है वो गाड़ी। गाड़ियाँ तो बहुत पुरानी आपको मिल जाएंगी लेकिन किसी में इतनी एवरेज, इतनी माइलेज आपको नहीं मिलेगी। ये गाड़ी आपकी जेब के लिए बिल्कुल फिट है और इसमें लगभग सभी फंक्शन हैं जो आपको चाहिए। मान लो इसमें एसी बहुत अच्छा है। अंदर का इंटीरियर आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या फंक्शन है वो भी आपको सब समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों अंदर देखो कितनी बढ़िया जगह है, याल्टो से कहीं ज़्यादा स्पेस इसमें मिलती है। ये देखो दोस्तों इसका डैशबोर्ड है जी, ठीक है जी। ये इसके गियर हैं, ये 5 स्पीड में आती है जी, ठीक है जी। ये एसी मान लो, ठीक है जी। म्यूज़िक, ये इसका मीटर देखिए, लुक देखिए इसकी, बहुत ज़बरदस्त लुक में आती है ये गाड़ी। अंदर से भी एकदम कंफर्ट है इसमें दोस्तों, बैठने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस होता है, जैसे मान लो आपको घुटन फील नहीं होगी इस गाड़ी में। और दिखाते हैं इसको आपको बैक वाली सीट। तो ये देखिए दोस्तों पीछे से भी पूरी बहुत मज़ेदार है। ये पीछे देखिए दोस्तों लुक इसकी, ठीक है दोस्तों। ये है, ये मैं आपको बीट का मिड वाला मॉडल दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसमें 2 खिड़की पावर आती हैं, इसमें टॉप में 4 आती हैं, लगभग एक ही रेट में मिल जाती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मान लो 5-4 हज़ार, 10 हज़ार इधर उधर हो जाता है। इस गाड़ी में पूरा कंफर्ट है। ये लगभग अगर आप शहरदारी में इसको चलाते हो तो दोस्तों इसकी एवरेज आपको मिल जाती है 22-23 तक। अगर आप इसको लॉन्ग रूट पर लेके जाते हो तो यही गाड़ी आपको 27-28 तक की एवरेज निकाल के देती है। ये मेरे पास चल रही है दोस्तों, बहुत अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये मैंने बहुत ही सस्ते रेट पे ली थी, ये मेरे को लगभग 1,30,000 रुपये की पड़ी थी, ठीक है दोस्तों। अंदर का देखो दोस्तों, ये पीछे की लुक देखो, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है जी। इस रेट में स्कूटी आती है, स्कूटी की भी एवरेज लगभग यही होती है, 30-35 की एवरेज देती है स्कूटी। जबकि ये कार होने के बाद भी इसमें देख लो एवरेज बहुत अच्छी है, ये आपको 27 से लेकर 28 तक की एवरेज देगी। मेंटेनेंस भी बहुत कम है, इसकी सर्विस 3,500 से 4,000 रुपये में हो जाती है। ये लगभग हमको 7-8 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद एवरेज करवाना होता है, सर्विस करवाना होता है दोस्तों। तो ये देखिए लुक वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है। देखा जाए तो अगर हम कोई स्कूटी लेते हैं तो स्कूटरी के ऊपर हम इतने सेफ़ ड्राइविंग नहीं कर पाते, जैसे मान लो बारिश आ जाती है या धूप होती है। इसमें आपके सर पे छत भी है और आप अगर चाहें तो इसमें 5 जने बड़े आराम से बैठकर कहीं भी आ जा सकते हो। अगर आप इसको सही ढंग से चलाओगे तो ये आपको, मान लो आपने 1-1.5 लाख में लिया तो 2-4 साल 5 साल भी अगर आपने इसको चला लिया तो इसके दाम तो पहले साल में ही आपके बाहर आ जाएंगे। और अगर आप साल बाद इसको बेच भी दोगे तब भी ये इतने की ही बिक जाएगी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको गाड़ी नहीं भी पसंद आती है तो ये गाड़ी मान लो आप 1 साल के बाद बेचोगे, आज आपने 31 की ली है तो आने वाले समय में ज़्यादा हो सकता है आपकी 31 में ही बिक जाए साल चलाने के बाद। अगर आप रखना चाहते हैं तो बेस्ट है, किसी को कोई लोहा सेट बैठता है, किसी को नहीं बैठता। लेकिन इसके साथ की गाड़ी नहीं है जो आज तक इतनी सक्सेस गाड़ी रही है, इसकी अभी भी मार्केट में बहुत डिमांड है। जब भी लोग कोई सेकंड ऑप्शन सोचते हैं, पुरानी गाड़ी सोचते हैं कि कोई पुरानी गाड़ी ली जाए, सीखने को ली जाए या घर के लिए स्पोर्टी लुक और सही रेट में मिल जाए,
तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। इस पे ख़र्चा लगभग स्कूटी जितना ही बैठता है, एवरेज भी स्कूटी जितनी ही देती है। और कंफर्ट की बात करें तो आपको पता ही है इसमें एसी चलता है, एसी लगा के ये आपको 27-28 की एवरेज देती है। और इसमें आप 5 जन बैठकर बहुत आराम से कहीं भी आ जा सकते हो। तो ये था दोस्तों मोटरसाइकिल के रेट में कार। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये गाड़ी कैसी लगी लुक वाइज, और अगर आपको कुछ पूछना हो इस गाड़ी के बारे में तो ज़रूर मेरे को कमेंट करें, पूछें, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को लगभग 2 साल तक चलाया है दोस्तों। चलने में बहुत ही स्मूथ है ये, और इसको कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें 5 जने बड़े आराम से जा आ सकते हैं, बहुत ही कंफर्ट है इसमें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें, मेरे को बताएं ये आपको गाड़ी कैसी लगी। थैंक यू।